वैश्य महासम्मेलन द्वारा किया गया सांसद बंटी विवेक साहू का नागरिक अभिनंदन। सांसद ने किया वैश्य भवन के ट्रस्टियों व समाज के अध्यक्षों का सम्मान। जनपद पंचायत मौकड़ की ग्राम पंचायत गुबरेल में मोक्षधाम जाने के लिए नहीं है सड़क। ग्रामीणों ने समस्या से अवगत कराते हुए सांसद से लगाई सड़क बनवाने की गुहार। MBBS इंटर्न चिकित्सकों ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। इंटर्नशिप में मिलने वाली मासिक देय राशि में वृद्धि किए जाने की रखी मांग। और सांसद बंटी विवेक साहू ने किया माचागोरा डैम का आकस्मिक निरीक्षण। अधिकारियों से चर्चा कर जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने हेतु मांगे सुझाव। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। वैश्य महासम्मेलन छिंदवाड़ा द्वारा आज सांसद बंटी विवेक साहू का नागरिक अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि वैश्य महासम्मेलन जिले का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। वैश्य महासम्मेलन द्वारा वर्ष 2014 से लगातार जिले में समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं वैश्य गान के साथ किया गया। कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू के द्वारा वैश्य समाज के घटक समाज के अध्यक्षों व वैश्य भवन के ट्रस्टियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री विजय झांझरी, महापौर विक्रम महाके, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा डागा, वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष अनिल सिंघई, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री नीरज भरद्वाज, जिला प्रभारी प्रभु नारायण नेमा, संभागीय अध्यक्ष महिला इकाई श्रीमती किरण सोनी, संभागीय अध्यक्ष युवा इकाई धर्मेंद्र साहू सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रमेश जाखोटिया ने प्रदेश मंत्री, अनिल सिंघई ने जिला अध्यक्ष, ब्रजेश कल्पीवार ने तहसील अध्यक्ष छिंदवाड़ा एवं श्री अग्रवाल ने तामिया तहसील अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तैयार हो गया राजपूत क्षत्रिय समाज का भवन, पूजा लाज के बाजू में बनके तैयार हो गया। यहाँ भी एक क्षत्रिय समाज का भवन है। 11,000 मात्र 11,000 रुपए लेकर एक विवाह के लिए वो लोग जगह देते हैं। आज ये जो टीम बैठी है, इस टीम का कि ये लोग वैश्य भवन से आके शादी करेंगे। पर हमारा बहुत बड़ा वर्ग हमारी समाज का ऐसा है जिसको बड़ा एसी हॉल नहीं मिल पाता, जिसको अच्छे कमरे शादी के लिए, चूंकि वो उसकी परिकल्पना होती है पर वो साकार नहीं हो पाती। तो हमने एक संकल्प किया है कि ऐसे लोगों को, इसलिए अभी आपने सुना होगा कि हमारा संकल्प है कि हम हमारे बीच के जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार, थोड़ा सा ऐसे परिवार जो अच्छे भवन से अच्छे वैश्य महासम्मेलन मेरे परिवार के ही रूप में है और हम लोग जब से जुड़ा हूँ हमेशा परिवार के रूप में हम लोग ने साथ काम किया है। लेकिन आज आपके द्वारा जो अभिनंदन का कार्यक्रम किया गया, अभिभूत हूँ। और जिस तरीके से आशीर्वाद, प्यार, साथ, सहयोग आपने दिया है, निश्चित तौर पर यह जिंदगी भर का एहसान आप लोगों का है। और इसमें कहने में कोई मैं हर्ज महसूस नहीं करूँगा। इस जीत में एक बड़ी भूमिका हमारे वैश्य महासम्मेलन के लोगों की रही। और जैसा अभी झांझरी जी ने बताया, उनका साथ मुझे हमेशा रहा है। चाहे पहला चुनाव लड़ा हूं तब बहुत कम लोग साथ में थे, लेकिन हम लोग साथ में आए। और हर पल पल में राजनीति के इस क्षेत्र में हर पल पल में उनका साथ रहा है। और दो चुनावों की हार के बाद, नहीं तो जैसा पहले मेरे वक्ताओं ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, एक तो जिनको अवसर ही नहीं मिलता, दो चुनाव को हार गया और अवसर मिलता है तो निराशा के साथ वो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी ताकत के रूप में अगर मेरे पीछे कोई रहा तो वैश्य महासम्मेलन रहा है। और इस जीत में बड़ी भूमिका हमारे वैश्य महासम्मेलन के साथियों की रही। निकल के आए और कई बार अब जब मैं जाता हूँ उस समय तो वो लोग सामने आके ना, उन्होंने उस समय कहा ना अभी बोलते हैं, लेकिन मेरे कार्यकर्ता मुझे बताते हैं भैया वो वैश्य महासम्मेलन के लोग जुड़े हुए जो हैं उन्होंने हमारी बहुत सहयोग करी। कहाँ कहाँ सहयोग करी, जहाँ भी आवश्यकता पड़ती थी। फिर कुछ लोगों ने तो पैसा तक खर्च किया, उन्होंने बताया नहीं आकर कभी। तो ऐसा हमारा परिवार है और इस परिवार के मुखिया के रूप में विजय झांझरी जी का साथ हमेशा मिला है। मैं इस दूसरा जो हमारी आज यहाँ पर है कि भूमि पूजन
भूमि पूजन कह दें या जमीन का जो हम लोगों ने खरीदे जा रहा है, इसके लिए मैं सभी से कहता हूँ कि झांझरी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, बहुत तालियों के साथ। बड़ी ताकत है आप लोग मेरी, आज इतने लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर वेश महासम्मेलन के साथ और सहयोग के कारण पिछले कई वर्षों से छिंदवाड़ा चला गया है और पूरे देश में मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा की सबसे अलग स्थिति है। हमारे जिले में सांसद से मिलने के लिए 6-6, 8-8 महीने का समय लग जाता था, फिर लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, धक्के खाना पड़ते थे, और पूरे देश में हमारा ऐसा छिंदवाड़ा जिला है जहाँ के लोगों को अपने सांसद से मिलने के लिए लाठियों डंडे तक खाने पड़े। लेकिन आपने अपने बेटे को, भाई को आशीर्वाद दिया, आपने सांसद बनाया है, तो सबसे पहले कोई समाप्त किया, मुझे परंपरा समाप्त हुई है। कोई भी कभी भी किसी भी समय मुझसे आकर के बातचीत कर सकता है। जी ने भी एक बात कही थी कि ये रेलवे के नीचे अंडरपास, तो जब हम लोग इतने काम कर रहे हैं तो जब अपने घर का ही काम है तो सबसे पहले इसको भी करवाऊंगा, इसमें बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं करना। जो भी काम वेश महासम्मेलन के हमारे भवन से लेकर के होगा, चाहे अंडरपास की बात हो या दूसरी जो 2-3 बातें हुई है, जो भी काम होगा वो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता में रहेगा, वो मैं करवा दूंगा। जनपद पंचायत मोखड़ की ग्राम पंचायत गुबरेल में मोक्षधाम जाने के लिए सड़क नहीं है, जबकि शासन के द्वारा मोक्षधाम बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, पर यहां सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन के द्वारा लाखों अरबों रुपए ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए खर्च किए जा रहे हैं, परंतु आज भी ऐसे ग्राम हैं जहां सड़कें न होने के कारण ग्रामीणों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम गुबरेल के ग्रामीण भी कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। बारिश के दिनों में अगर ग्राम में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मोक्षधाम ले जाने के लिए कीचड़ और गड्ढों के साथ पानी से भरे रास्तों में से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत सहित सांसद विवेक बंटी साहू से मोक्षधाम तक सड़क निर्माण किए जाने की गुहार लगाई है। हमारे ग्राम गुबरेल में मोक्षधाम यहाँ पर है। ये मोक्षधाम ये जो रोड जोड़ती है वो ग्राम पंचायत गुबरेल से भोटलाई को जोड़ती है, लेकिन जो रोड पे आज देखिए आप कि हम कितने जनता इतने परेशान हैं, और मेरी मिसेज कुछ सरपंच रही है लेकिन उनने भी कोई कार्यकर मतलब ये रोड का कोई उद्घाटन नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और हम निवेदन करते हैं कि हमारे सांसद विवेक बंटी साहू यदि बने हैं तो कम से कम ये रोड का जीर्णोद्धार करवाएं। जे रोड प्राइवेट है, हम जानते हैं, हर ग्राम पंचायत लोग जानते हैं, पंचायत में कई बार ऐसा प्रावधान गया है, लेकिन हम ये मानते कि हमारी मोक्षधाम की रोड ये बनना चाहिए। हम तकलीफ ये मोक्षधाम रोड पे आज पूरे ग्रामीण लोग कैसे हमने बॉडी को लेके आए, कैसे मैया को लेके जा रहे हैं, सौ यात्रा कैसी लेके जा रहे हैं, आज तकलीफ में हम हैं। हमारे विवेक बंटी साहू जो हमारे सांसद बने हैं उनसे हम निवेदन करेंगे
कि हमारी यहाँ आके वो सुने, क्योंकि उन्होंने हमको यहाँ आश्वासन देके गए थे कि हम ये मुक्तिधाम की रोड बना के देंगे। बस इतना ही मेरा कहना है, पैदल चलते नहीं बन। इंटर्नशिप में मिलने वाली मासिक देय राशि में वृद्धि की मांग को लेकर आज MBBS इंटर्न चिकित्सकों ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और अपनी समस्याएं बताई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से पुकार। छोटे वाले बैनर और एक वो आई फंड काम हमारा ज्यादा है, काम हमारा ज्यादा है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं आज। जैसा कि आप सभी को सर विदित है, आज हमारे मध्य प्रदेश राज्य के सारे मेडिकल कॉलेजेस में, जो सरकारी डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि वन नेशन वन स्टाइपेंड होना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो मासिक मानदेय सरकार द्वारा तय किया गया है 13,409 रुपये है, जो कि हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल असक्षम है। इसकी वजह से हमारी मानसिक स्थिति व हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हम काफ़ी परेशान हैं। इसकी वजह से हम अपने अस्पताल में उचित सेवाओं देने में दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत यह है कि हमें अपनी दैनिक जरूरतों, जैसे कि हमें खान पान, हमें अस्पताल जाना, साथ ही हमारे रहन का पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मासिक मानदेय को 30,000 रुपया महीना किया जाए। वजह यह है कि जब हम 2018 बैच की बात करें तो वहाँ पे फीस थी लगभग 50,000 रुपया, उनकी स्टाइपेंड थी 12,600 रुपये। अगर वहीं बात करें हमारे 2019 बैच की MBBS इंटर्न्स की, हमारी जो फीस है एक साल की वो 1,00,000 रुपया है। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें 13,409 रुपये बनती है। हम बात करें फीस तो डबल हुई है, पर स्टाइपेंड में सिर्फ 600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम बात करें दूसरे राज्यों में, जैसे कि हमारे असम है, असम में 36,220 रुपये, पश्चिम बंगाल में 32,000 रुपये, साथ ही कर्नाटक में 30,000 रुपये। यानी कि दूसरे राज्यों में इंटर्न्स का जो मासिक पगार है उसमें बढ़ोतरी साफ साफ देखी जा सकती है, पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ 600 रुपये बढ़ाई है, जो कि हमारे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए असक्षम है। हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल को कंटिन्यू करते रहेंगे। नाम आप? जी आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा। जी मेरा नाम सपना पाटीदार है, मैं एज ए इंटर्न मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में काम कर रही हूँ। क्या दिक्कतें आती है, क्या परेशानी आ रही है जो इतना कम इंटरेंस मिल रहा है आपको? हमारा मासिक देय सिर्फ 13,400 रुपए ही है, दूसरे राज्यों में हमसे डबल है, परंतु हमारे यहाँ की फीस भी डबल है। इसके बावजूद भी हम लोगों का मासिक देय नहीं बढ़ाया जा रहा है। नाम आप? वर्तमान में कितना है? वर्तमान 13,309 है। हमारी उम्र है, घर वाले कोचिंग का पैसा दिए, अपनी कॉलेज की फीस दिए जो 1,00,000 रुपये है, इसके बाद भी आज 25 साल के होने के बाद भी हम घर पे पैसे नहीं भेज पाते। 13,000 में हमारा खुद का खर्चा नहीं होता, हमें घर से भी मंगाने पड़ते हैं, गाड़ियों से हमें जाना पड़ता है 30-35 किलोमीटर दूर ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, PSC के लिए। तो इन सब को देख के लगभग, जो कि हमने पूरा स्टेटमेंट निकाला था कि पूरे MP में सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड, सबसे कम स्टाइपेंड है, और जबकि जो यहाँ पे फीस ले रहे हैं MBBS की वो सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, इसका डाटा इसमें मिल जाएगा। 28 जुलाई को सांसद बंटी विवेक साहू ने माचागोरा डैम का आकस्मिक निरीक्षण किया और अधिकारियों से चर्चा की। जिले भर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण माचागोरा डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो बाकी के गेट भी खोले जा सकते हैं।
सांसद बंटी विवेक साहू ने निचले गांव में रहने वाले ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं छिंदवाड़ा जिले में सिंचाई का रकबा कैसे बढ़े इन सब के लिए अधिकारियों से सुझाव मांगे। पिछले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई और 6 गेट खोलने पड़े थे। 2 साल पूर्व का अनुभव है कि एक साथ गेट खोल दिए गए थे तो हमारे आगे के नीचे जो गांव है वो पूरी तरीके से डूब गए थे। मैंने आकर के अधिकारियों से बातचीत किया और कहीं कोई ऐसी स्थिति ना बने कि आगे गांवों में परेशानी हो। मुझे लगता नहीं है कि अभी ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है। कल 6 गेट खुले थे, आज 4 हैं और मुझे लगता है कि कल 2 और बंद हो जाएंगे। आगे ऐसी कोई स्थिति होनी नहीं है। साथ ही साथ मैंने अधिकारियों से चर्चा की है कि कौन कौन से काम, चाहे नहरों के काम हो, चाहे पानियों के जो पाइप बिछ रहे हैं उसके काम हो, या इसके माध्यम से जो सड़क बन रही है उसके काम है, मैंने उन सब की जानकारी लिया हूँ। साथ ही साथ मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरी जानकारी लेकर के हम फिर से एक दिन बैठेंगे जहाँ पर पूरा इसका आगे क्या प्लान है, क्या हो सकता है, क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी मेरी बात हुई है तो इसमें पहले लक्ष्य था कि 1,20,000 हेक्टेयर में सिंचाई का, अभी 84-85,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, लेकिन इसी क्षमता में हम लोग 1.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ शासन की तरफ से और क्या इसमें बढ़ाया जा सकता है, क्या प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं जिससे 20,000 हेक्टेयर भूमि में और ज़्यादा सिंचाई हो जाए, तो इसको लेकर के मैंने 4 तारीख का इन्हें समय दिया हूँ और 4 तारीख को पूरा आगे का और रोड मैप बना करके इसमें आगे काम करेंगे। खबरों वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय, एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा में कार्यरत वॉलमैनों ने आज आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर नगर निगम प्रशासन से बरसाती कोट, लॉन्ग बूट व ग्लव्स प्रदान किए जाने की मांग रखी। नगर पालिक निगम के वॉलमैनों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नगर पालिक निगम में कार्यरत समस्त वॉलमैन पंचायत कर्मियों को बरसात के मौसम में बारिश के कारण वॉल्व खोलने अथवा बंद करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने से उनके साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसलिए समस्त वॉलमैनों ने बरसाती कोट, लॉन्ग बूट व ग्लव्स प्रदान किए जाने की मांग की है। आज नगर निगम में हमारे बॉल मेनू की समस्या को लेकर हमने नगर निगम के सहायक आयुक्त गुरुदेव जी को कर्मचारियों की समस्या से अवगत कराया कि बरसात के दिनों में इन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात में इन्हें हर साल यहाँ से रेनकोट प्रोवाइड किया जाता था, लॉन्ग बूट की सुविधा इन्हें दी जाए, हाथ के ग्लव्स दिए जाए। वाल मैंने को कई बार ऐसी जगह नल के वाल रहते हैं जहाँ घास रहते हैं, बहुत सारी गंदगी रहती है, वहाँ इनको सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनकी वाल मैनों की समस्या को देखते हुए हमने निरुदर जी को आज ज्ञापन दिया आयुक्त महोदय को, और साथ ही इनकी TEF जो माता जाना चाहिए TEF, उसके लिए भी हमने आवेदन यहाँ निरुदर जी को दिया। आपका नाम बताइए? राहुल, उनके पार्षद वार्ड नंबर। सौंसर के वांध्या नाला जलाशय के आसपास लंबे समय से जुआ फट चल रहा है।
जहां जुआरियों के द्वारा लाखों रुपए के दांव लगाए जाते हैं। रविवार की रात पांडुना एसपी की स्पेशल टीम ने सौसर के वाद्यानाला जलाशय के समीप जुआ पर दबिश देकर 7 जुआरियों को पकड़ा, जिनके पास से 1,95,000 रुपए और एक कार जब्त की गई। टीम ने जुआरियों की धरपकड़ कर सौसर पुलिस के हवाले किया है। सौसर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सावन माह के दूसरे सोमवार के अवसर पर आज छोटी बाजार स्थित श्री राम मंदिर में बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी छोटी बाजार स्थित श्री राम मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियां व श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हो रहे हैं। श्रावण मास के सोमवार के अवसर पर भगवान भोलेनाथ के प्राचीन शिवलिंग का पवित्र नर्मदा के जल से सहस्त्रधारा अभिषेक किया गया। वहीं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का पंडित नंदकिशोर शास्त्री के द्वारा परंपरागत पूजन अर्चन मंत्रोच्चार के साथ दूध दही घी पंचामृत से बम बम भोले के जयकारों के साथ अभिषेक कराया गया। स्नान कराएं। ओम पयाहा प्रदीप्यां पयोकरीको पयोविभ्यंतरिक्षे पयोधाः भगवते श्री श्याम सदा शिवाय नमः। पयास्नानं समर्पयामि। पयास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नान कराना है दही से, स्नान कराएं। ओम श्रावण माह का पावन पर्व है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री राम मंदिर में नर्मदा के पावन जल से प्रतिवर्ष भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान रहते हैं और प्रत्येक सोमवार को सहस्त्र धारा से 1,008 धारा से एक साथ भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिससे कि अच्छी बारिश के लिए, क्योंकि भगवान का काम है
अच्छी बारिश होगी तभी किसान प्रसन्न होंगे और पूजन जो है सबके हित के लिए होती है। उसी भावना के साथ राम मंदिर में 1008 धारा से प्रत्येक सोमवार को अभिषेक किया जाता है। आज दूसरा सोमवार है जिसमें भगवान महाकाल जो कि उज्जैन में विराजमान है उनका पूजन और अभिषेक किया जा रहा है। भगवान महाकाल की पूजन करने मात्र से सभी प्रकार के रोग आदि नष्ट हो जाते हैं। इसी कामना के साथ हम भगवान महाकाल भी विराजमान किए हुए हैं। जय श्री। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। वैश्य महासम्मेलन द्वारा किया गया सांसद बंटी विवेक साहू का नागरिक अभिनंदन। सांसद ने किया वैश्य भवन के ट्रस्टियों व समाज के अध्यक्षों का सम्मान। जनपद पंचायत मौकड़ की ग्राम पंचायत गुबरेल में मोक्षधाम जाने के लिए नहीं है सड़क। ग्रामीणों ने समस्या से अवगत कराते हुए सांसद से लगाई सड़क बनवाने की गुहार। MBBS इंटर्न चिकित्सकों ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। इंटर्नशिप में मिलने वाली मासिक देय राशि में वृद्धि किए जाने की रखी मांग। और सांसद बंटी विवेक साहू ने किया माचागोरा डैम का आकस्मिक निरीक्षण। अधिकारियों से चर्चा कर जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने हेतु मांगे सुझाव। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।